आप डिजिटल बॉडी वेट मशीन खरीदने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ले और कौन सा मशीन एक्यूरेट होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ये मायने रखता है कि आप जो डिजिटल बॉडी वेट स्केल लेंगे वो एक्यूरेट होना पड़ेगा। लेकिन खरीदने से पहले आप कैसे जानेंगे कि कौन सा एक्यूरेट है, इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ दो बहुत ही एक्यूरेट डिजिटल वेट मशीन। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोनों मशीन को टेस्ट करके और इसका एक्यूरेसी प्रूफ आपको दूंगा। तो आखिर में आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। दोस्तों, आज मैं रिव्यू एंड कंपेयर करने वाला हूं दो बहुत ही एक्यूरेट डिजिटल वेट स्केल का, जो ये रहा। ये दोनों बहुत ही एक्यूरेट डिजिटल वेट स्केल है। मैंने पहले भी इनका अलग से वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज मैं करने वाला हूं इन दोनों का कंपेरिजन। तो चलिए इनको पास से देखते हैं। तो ये रहा दो वेट मशीन। ये जो है ये मैंने 3 साल पहले खरीदा था, और ये वाला मैं हाल ही में खरीदा हूँ, लेकिन दोनों ही एक्यूरेट है। ये जो है ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और कंपनी का नाम है होफेन। और ये जो है ये भी लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। और इसका जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लोगों ने कमेंट किया था कि ये 2-3 साल पुराना नहीं हो सकता है। मैंने अमेजोन के वेबसाइट का कोडिंग चेंज करके उनको दिखाया है, ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, ये सच में 3 साल पुराना है और 3 साल से अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट परचेस्ड ऑन 17 अक्टूबर 2017। आपको मैं अभी रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। देखिए मैं रिफ्रेश किया हूँ, देखिए रिफ्रेश करने से भी सेम है, मतलब इसमें मैंने कोई भी हेरफेर नहीं किया है। मतलब ये सच में 3 साल पुराना है और आज भी ठीक से चल रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं इनका फीचर्स की। तो ये दोनों ही ऑटोमेटिक वेट स्केल है, मतलब ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, ऑटोमेटिक ऑफ होता है। उसके लिए आपको सिर्फ इसके ऊपर खड़ा होना है और ये ऑटोमेटिक आपका वेट दिखा देगा। और ऑन होने के बाद थोड़ा देर ये वेट दिखाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। ये अच्छा फीचर है, इससे बैटरी का बचत होता है। वैसे बैटरी कई महीना चलता है, ये भी अच्छा बात है। और इन दोनों वेट मशीन में मिनिमम 5 kg और मैक्सिमम 180 kg तक आप वेट कर सकते हैं। और इन दोनों में ऊपर में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा। ये टेम्पर्ड ग्लास है और ये भी टेम्पर्ड ग्लास है, ये आसानी से टूटता नहीं है। और डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन है, यहाँ पे नहीं है। ये जो होफेन वाला है ये थोड़ा सा छोटा है और राउंडेड कॉर्नर वाला है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। साइड से देखा जाए तो दोनों का थिकनेस बराबर ही है। और इन दोनों वेट मशीन में आपको मिलता है LCD स्क्रीन, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा दिया है, लेकिन होफेन में थोड़ा सा छोटा है। तो ये हो गया सामने का हिस्सा। तो देखते हैं पीछे का हिस्सा। तो इसमें आपको 4 सेंसर्स मिलता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं 4 सेंसर्स है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये है और इसमें ये है। इन दोनों में आपको 2 AAA बैटरी का ज़रूरत पड़ता है। देखिए ये 2 AAA बैटरी है, और कुछ है नहीं, लेकिन होफेन में पीछे लिखा है आपको वारंटी मिलेगा 1 ईयर का, और 6 मंथ का एक्स्ट्रा वारंटी मिलता है अगर आप उसको 5-स्टार रेटिंग देते हैं। इसमें कंपनी का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो अभी बात कर लेते हैं दाम की। ये वाला जो है इसका दाम है 899, और दाम घटता बढ़ता रहता है। और दूसरे वाला का दाम है 699, तो ये 200 रुपये थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें वारंटी नहीं मिलता है और इसमें मिलता है। लेकिन इस मॉडल का और भी कम दाम वाला आपको मिल जाएगा, वो शायद चाइनीज़ प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट पेज में लिखा हुआ था कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, तो ये दोनों ही इंडियन है। तो अगर लुक की बात करें तो दोनों ही देखने में अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको कौन सा पसंद है, लेकिन डिज़ाइन में मत जाइए। तो ये तो था इनका स्पेसिफिकेशंस, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक्यूरेसी, जो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं पहले 5 kg का एक पैकेट वेट करके दिखाऊंगा दोनों में, उसके बाद मैं खुद का वजन करके दिखाऊंगा 2-3 बार, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मशीन कितना एक्यूरेट है। तो चलिए करते हैं टेस्ट। तो देखिए अभी दोनों वेट स्केल पास में है, तो मैं अभी आपके सामने इसमें वेट करके दिखाऊंगा और कंपेयर हो जाएगा दोनों। इसके लिए मैंने लिया है एक 5 kg का पैकेट, आप देख सकते हैं ये 5 kg का पैकेट है। तो अभी मैं इसको डालने वाला हूँ पहले होफेन में। तो ये मैंने डाल दिया होफेन में, और देखिए यहाँ पे दिखा दिया है 5 kg वेट, तो ये एक्यूरेट है। तो अभी बारी है दूसरे का,
तो इसमें डाल रहा हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया है 5 kg का, मतलब ये दोनों मशीन पूरा एक्यूरेट है। और अभी मैं खुद का वजन करने वाला हूँ, तो पहले मैं वजन करता हूँ होफेन में, तो होफेन में मेरा वेट आ रहा है 68.2, और अभी जाऊँगा दूसरे वाला में, तो यहाँ पे 68.25। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 68.25 और यहाँ पे आ गया 68.2, तो आप बोलेंगे ये तो डिफरेंस आ गया, इसमें तो 50 ग्राम ज़्यादा आ गया है और इसमें 50 ग्राम कम आ रहा है। तो ये क्यों समझ लीजिए, क्योंकि दोनों का LCD स्क्रीन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 digit आता है 68.25, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे 3 digit आता है 68.2, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर वाला डिजिट के लिए जगह नहीं है, इसीलिए दिखा रहा है 68.2, लेकिन उसमें दिखा रहा है 68.25, मतलब दोनों में वेट बराबर दिखाता है, लेकिन ये होफेन में LCD में 4 digit के लिए जगह नहीं है, इसीलिए ये दिखा रहा है 68.2, नहीं तो ये भी दिखाता 68.25, मतलब दोनों पूरा ही एक्यूरेट डिजिटल वेट मशीन है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो फ्लोर है वो हमेशा फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट सरफेस में ही ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। और मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आप अपना वेट क्यों एक ही बार शो करते हैं, दोबारा क्यों नहीं करते हैं, तो मैं अभी अपना वेट कर रहा हूँ, बार बार देखिए 68.2 आ गया, इसको ऑफ होने देते हैं, तो फिर से मैं ले रहा हूँ वेट 68.2, तो सेम ही आ रहा है, देखिए 2 बार हुआ, अभी 3 बार लूँगा, मेरा सेम ही आता है, पता नहीं लोगों का अलग अलग कैसे आता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसमें 3 बार लिया सेम आया, तो इसमें ले रहा हूँ मैं वेट 68.25 जैसे पहले आया था, तो फिर से लूँगा, इसको ऑफ होने देते हैं, तो फिर से ले रहा हूँ मैं वेट 68.25, फिर से आ गया, और 3 बार लेके दिखाऊंगा, ऑलरेडी 3 बार हो गया है, पहले मैं किया था ना, तो आप अभी कंसीडर कर सकते हैं कौन सा लेंगे। तो अभी शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया और आपको पता चल गया है कौन सा लेना है, आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ होफेन को, लेकिन उसका दाम है 899 और दूसरे वाला का दाम है 699, तो 200 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों ही एक्यूरेट है, लेकिन होफेन में आपको वारंटी मिलता है 1 साल का और 6 महीने का अलग से, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरे वाले में आपको कोई वारंटी नहीं मिलता है। पर वैसे देखा जाए तो ये जो डिजिटल वेट मशीन होता है ये जल्दी से खराब नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक जैसा होता है, जल्दी से खराब नहीं होता है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और इन दोनों वेट मशीन को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काम का रहा, अगर काम का लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।